वेलकम बैक टू माई चैनल। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू माई क्लॉथ फैक्ट्री हॉल। तो दिस इज माई थर्ड क्लॉथ फैक्ट्री हॉल वीडियो। जो मेरा फर्स्ट क्लॉथ फैक्ट्री हॉल था वो नॉर्मल यू नो घर के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे, किचन से रिलेटेड, और मतलब बहुत ही रैंडम स्टफ मंगवाया था जिसका एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो मेरा सेकेंड क्लॉथ फैक्ट्री हॉल था, जो फर्स्ट क्लॉथ फैक्ट्री हॉल था वो मेरे खुद के पैसे से हुआ था, जो सेकेंड था वो इन अ कोलैबोरेशन था। तो उसको आप बोल सकते हो 60-40% ठीक ठाक प्रोडक्ट से, 60% अगेन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, एंड दिस टाइम अगेन आई एम डूइंग कोलैबोरेशन विद क्लॉथ फैक्ट्री। और इस बार मैंने सारा होम डेकोरेशन मंगवाया है टू चेक द क्वालिटी की होम डेकोरेशन इनका कैसा आता है। तो बेसिकली दिस इज कोलैबोरेशन और यू कैन से दैट इज स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट जितना भी रिव्यू रहेगा वो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है। एक्चुअली क्लॉथ फैक्ट्री में 26-29 ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है जिसमें काफी अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। तो जो जो भी सामान मैंने मंगवाया है वो मैं आपको बता देती हूँ, कूपन कोड यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दूंगी, इफ यू यूज दैट कूपन कोड यू विल गेट मोर डिस्काउंट एज वेल। तो सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास आया है वो है ये प्रोडक्ट है टेबल टॉप, आप बोल सकते हो पॉट, फ्लावर पॉट है। और इस तरह के फ्लावर पॉट में दो ऑलरेडी दूसरे वेबसाइट शीन से मंगवा चुके हैं अपने होम डेकोरेशन के टाइप पे, तो मुझे ये एक और काफ़ी क्यूट सा लग रहा था तो मैंने ये मंगवाया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे पास इस तरह से ब्रोकन आया है, आप देख रहे हो यहाँ से ब्रोकन है ये, और ये यहाँ से ब्रोकन है, और इसका जो पीस है वो ये रहा, तो ये ब्रोकन आया है। तो ये जो मेटल वाला जो आया है, जो मेटल वाला पार्ट आया है ये एकदम परफेक्ट आया है, बट इसका ये जो आया है ये मेरे पास ब्रोकन आया है। सो डेफिनेटली मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, इसकी जगह मैं, मेरे पास काफ़ी सारे छोटे छोटे से प्लांटर्स हैं, मैं उसको इसके अंदर डाल करके यूज़ करने वाली हूँ, ये मैं फेंक दूंगी। और व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ पर POP लगा के कुछ जुगाड़ कर सकती हूँ, सो लेट्स सी। तो इसके लिए मैं बोलूँगी क्वालिटी वाइज ठीक है, बट इनका पैकेजिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसकी वजह से ये टूट गया है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो ऑब्वियसली मैंने ओपन करके देख लिया था, मैं देख रही थी कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे आए हैं। तो जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है ये, तो आप मेरा पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको जिसमें लव लिखा हुआ है, ये मैंने बैंगलोर से मंगवाया था, जो कि हेक्सागन टाइप के शेप का है, उसका ऊपर का जो पार्ट है वो थ्री उसमें है, बट उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये आपको समझ में आएगा कि ये जो है ना, ये ऐसे जैसे किसी ने इस पर मारा है, हथौड़ी से मार दिया है, डेंट टाइप का लगा हुआ है। ऑल्दो मैं उसको ठीक कर दूंगी, ये मेटल है, आयरन है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा ठीक, बट अगेन मैं ये बोलूंगी कि इन लोगों की पैकेजिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से, अब आप देखो ये पूरा सर्कुलर भी नहीं दिख रहा है, कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, सो आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट। क्वालिटी में ऐसे ठीक है, बट वही बोलूंगी कि इनकी पैकेजिंग इज नॉट वेरी स्ट्रांग जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो हमको मिल रहे हैं वो डिफेक्टिव वे में मिल रहे हैं। तो ये है इसका सेकेंड प्रोडक्ट। प्राइजेस सारे प्रोडक्ट्स की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी कौन सा प्रोडक्ट कितने का आया है। तो ये दो प्रोडक्ट्स तो आए हैं, ये मेरे पास आड़े टेढ़े हो चुके हैं, अभी थर्ड मैं आपको बताती हूँ। जो थर्ड प्रोडक्ट आया है वो है, इसको मैंने पूरा ओपन नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर दिया था। तो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है होम इज वेयर यू आर, तो आई थिंक दिस इज नॉट वुड, पता नहीं ये क्या चीज है, बट ये वुड नहीं है फॉर श्योर। और इसके साथ इन लोगों ने मेरे को दो रोप्स दी हुई है, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे से फेक प्लांट्स दिए हुए हैं। इस प्रोडक्ट की इमेज मैं यहाँ पर डाल दूंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। और इसमें एक और बॉक्स है जिसके अंदर छोटी छोटी सी ग्लास की बॉटल्स हैं, लेट्स सी कि ये ग्लास की बॉटल सही हालत में है कि नहीं। फ्रेश, ओके ओके, सो एज यूजल इनकी जो ग्लास बॉटल्स हैं वो ब्रोकन आई है मेरे पास, सो आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दिस पैकेजिंग, इज रियली रियली चीप एंड वेरी पुअर। सो सी ये जो बॉटल है ये मेरे पास ब्रोकन आई है, बाकी सब ठीक है, बट ये छोटी वाली जो बॉटल है ये टूटी हुई आई है। और भी देख लेते हैं, चेक कर लेती हूँ मैं। ये वाली जो बॉटल्स हैं ये सब ठीक है। उसके बाद एक और पार्ट देख लिया जाए,
अगेन वन बॉटल इज ब्रोकन. आई होप यू कैन सी दिस. सी सो अगेन एक और जो बॉटल आई है वो ब्रोकन आई है और बाकी सब ठीक है. तो मतलब दो बॉटल्स मेरे पास ब्रोकन आई है एंड ये 600 समथिंग का प्रोडक्ट है. मैं आपको इसके कांच के जो दिख रहा है ना आपको, मैं वो दिखाती हूँ. आई होप यू कैन सी दिस. मैं टेढ़ा नहीं कर रही हूँ बिकॉज कांच के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो गिर गए तो मेरे घर में मुझे भी आफत हो जाएगी. तो अभी तक आपने जो तीनों प्रोडक्ट्स देखे हैं, तीनों प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है एज इट इज़ नहीं मुझे मिले हैं ड्यू टू द पैकेजिंग. सो अभी मैं कुछ पूरा वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ. देन जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ. पूरी तरह से ओपन करने वाली हूँ. फाइन. तो ये ग्लास का एक, ये एक ग्लास का एक वुडन का स्टैंड है. तो बेसिकली इसमें होगा क्या, यहाँ पर इस तरह से ये जो जग है ये ऐसे लगेगा और एक जो रहेगा वो इस तरफ लगेगा. तो इट्स लाइक अ शो पीस, ब्यूटिफुल शो पीस. आप इसमें अपना मनी प्लांट लगा सकते हैं या आप कुछ भी लगा सकते हैं इस तरह की चीज़ें. तो ये एक प्रोडक्ट है जो एज इट इज़ जैसा था वैसा ही आया है. तो ये इस तरह से बनने के बाद लगता है, मुझे काफ़ी क्यूट सा लग रहा है. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ इट एज अ डेकोरेशन पीस. थैंकफुली ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में मेरे पास आया है बिकॉज अगर ये भी ब्रोकन आ जाना तो मेरा रिव्यू तो पता नहीं क्या ही हो जाता. एंड नेक्स्ट उसके बाद जो है वो है, मैंने कुछ ऐसी इमेजेस मंगवाई है और पेंटिंग टाइप का बोल सकते हो. तो लेट्स सी कि वो कैसी आई हैं. ओके तो ये इस तरह से इमेज है. एक तो वाइट येलो है, येलो में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लीव बना हुआ है. और जो दूसरा पेंटिंग है वो है, दूसरा भी अगेन इसी टाइप का है. तो मतलब बहुत ही मिनिमल टाइप ऑफ पेंटिंग है ये. तो ये मैंने मंगवाई थी, तुलसी है. तो वो है ये. आई डोंट लाइक द क्वालिटी बिकॉज ये ऐसा लग रहा था ऐसे खिचड़ी बना करके किसी ने रखा है और उसके बाद भेजा गया है. सो आई रियली डोंट लाइक इट. तो ये है इसका लास्ट प्रोडक्ट. अभी तो चलो मैंने पे नहीं किया है, दिस इज़ इन अ कोलैबोरेशन विद लव फैक्ट्री, सब मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट आया है. बट अगर मैं इस तरह से इतना अमाउंट पे करती और मेरे पास ऐसे ब्रोकन टेढ़ा मेढ़ा सामान आता तो डेफिनेटली मुझे बहुत बुरा लगता और किसी को भी बहुत बुरा लगेगा उसका पैसा वेस्ट होना. फिर वो बहुत लंबी सी प्रोसेस होती है रिटर्न करना एंड ये करना एंड फलाना ढिमकाना, वो सब काफ़ी लंबा सा होता है. तो सब कुछ मैंने आपके सामने बता दिया है. रिकमेंडेशन मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ कि आप देख लीजिए भाई, बस यही प्रोडक्ट मेरे पास काफ़ी अच्छा आया है जो ग्लास वाले और जो थोड़ा ऐसा प्रोडक्ट है. बाकी इफ़ यू लाइक एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.